नमस्कार मित्रों, कल हमने पाठ किया था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं और रास्ते में उन्हें जो मायावी राक्षस हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। सर पैठत कविपद गहा मकरें तव अकुलान, मारि सो धरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो दशरथ जर बिहारी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ भयू निष्पापा, मिटा तात मुनि वर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही निश्चर निकट गयो कपि तवही। कह कपि मुनि गुरी दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, दिज तनु प्रगट से मरती वारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हरसी चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। गहि गिरि निस नव धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारे उचाप श्रवण लगी तान। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो दशरथ जर बिहारी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फलक का एक बाण मारा। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवो दशरथ जर बिहारी। परउ मुरुचि महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आये। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक की से उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलीन मन भये दुखारी, कहत वचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, अभिमन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर ये वचन बोले। जहीं विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहीं पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया है उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो। तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मुँह पर रघुपति प्रानिकूला। सुनत वचन उठे बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई, पुलकित तन लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, समीर राम रघु कुल तिलको।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ वीर बिहारी। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।